नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बारे में। आखिरकार जो एग्ज़ाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्यों होता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बनता है कि आखिरकार जो होता है तो क्यों होता है, किस लिए होता है और इसका होने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर प्रश्न का जवाब मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर न कर दो, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो या अपडेट आता है तो उसको पहुँचाने में हमें आप तक मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्यों होता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बिल्कुल इजी भाषा में अपन समझ लें कि कोई एक एग्ज़ाम है, यानी कि यूपी पुलिस का, मान चले यूपी पुलिस का यह पेपर है, वह यह 4 दिन में पेपर संपन्न हुआ, यानी कि 4 डेटों में संपन्न हुआ। मान के चलो यहाँ पर 1-2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को और यहाँ पर 5 तारीख को, ठीक है। इन 4 तारीखों में आपका यह एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम एक ही हो रहा है, 4 तारीखों में पेपर हुआ है, इन 4 डेटों में यहाँ पर एग्ज़ाम संपन्न हुआ। आप बात करते हैं यहाँ पर यह चारों डेटों के जो प्रश्न पत्र रहेंगे वो अलग अलग बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे। दोस्तों, इसमें कंडीशन रहती है कि ज़्यादा इजी ना हो, क्योंकि यदि आपका ये मान के चलिए कि यदि जो पहले पेपर हुआ था इसका टफ कर दिया, दूसरे का इजी कर दिया, फिर टफ कर दिया, फिर इजी कर दिया, तो इससे क्या होता है, भेदभाव होता है, यानी कि इनके साथ नाइंसाफी होगी, इनके साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि इनका इजी कर दिया और इनका टफ कर दिया। तो दोस्तों, एक के साथ ना इंसाफी होगी और दूसरे के साथ नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भेदभाव होने लगता है। दोस्तों, इस वजह से ही बोर्ड ने यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वह आरंभ कर दी कि जो भी यहाँ पर इजी और हार्ड का लेवल होता है वह मेंटेनेंस कर सकें। अब बात करते हैं कि आखिरकार यह होता कैसे है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, 4 एग्जाम में यहाँ पर डेट और पेपर हुआ, तो पहले में यहाँ पर हाईएस्ट यानी जो हाई हो गया, पहला पेपर था भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ हो गया, यहाँ पर टफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया यहाँ पेपर। दूसरा डेट में जो 3 तारीख को पेपर हुआ, यह भी थोड़ा, यह इससे हार्ड नहीं, यह थोड़ा इजी था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें जो चौथे दिन का या तीसरे दिन का पेपर हुआ था, यानी कि 4 तारीख को जो पेपर हुआ था यह बिल्कुल ईजी पेपर था, और 5 तारीख को जो यहाँ पर एग्जाम हुआ था वह भी बिल्कुल ईजी पेपर था। यानी कि आप बात करें 2 तारीख को और 3 तारीख को पेपर हार्ड थे, हार्ड थे, और 4 और 5 तारीख को पेपर यहाँ पर इजी थे। तो दोस्तों, अब इनका हुआ क्या है, जो यहाँ पर 2 और 3 तारीख के बच्चे थे उनका स्कोर यहाँ पर केवल और केवल 100 में से, यहाँ पर माने कि चलो 100 क्वेश्चन में से, 100 क्वेश्चन में से यहाँ पर दोस्तों 70 नंबर, यानी कि 70+70 नंबर ही यहाँ पर सॉल्व होगा, यानी कि अधिक जो नंबर हो पाए, अधिक अधिकांश 70 स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट के 70+ स्कोर हो पाया, यानी कि मान के चलो हाईएस्ट यहाँ के 70 पहुँच गए 2 और 3 तारीख की। और दोस्तों, 4 और 5 तारीख की बात करें तो यह जो दोस्तों बहुत इजी था, तो यहाँ का जो पेपर था यह अधिकांश बच्चों के यहाँ पर 85+, मतलब 85+ चले गए बहुत सारे स्टूडेंट रुके थे। दोस्तों, वैकेंसी यहाँ पर मान चलो कुछ भी वैकेंसी है, तो दोस्तों यदि इसी आधार पर यदि मेरिट लिस्ट डलेगी तो सबसे पहले तो इन्हीं को लिया जाएगा, क्योंकि इनके अंक ज़्यादा हैं, तो अंक ज़्यादा होने के कारण सबसे पहले लिया जाएगा 4 और 5 तारीख को दोस्तों, और इनका नंबर तो बाद में आएगा क्योंकि इनके नंबर तो कम हैं। दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है इसी वजह से लागू हुआ, क्योंकि दोस्तों जो चारों डेटों पे यहाँ पर एग्ज़ाम होता है चारों डेटों के साथ सेम नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि इनके नंबर मान के चलो यदि इनका 70%, 70% और यहाँ पर दोस्तों 90% और 90% स्टूडेंटों के यहाँ पर नंबर हो गए, तो दोस्तों इन सभी का काउंट किया जाता है जितने भी यहाँ पर होता है, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर काउंट होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सभी के काउंट होते हैं, जब मान के लो अपन ऐड करके भी देख लेते हैं यार दोस्तों कितने 70 और 70 हो जाएंगे दोस्तों 140, ठीक है, 140 और 90 हो जाएंगे दोस्तों कितने 180। अब दोस्तों बात करते हैं अपन, यदि देखिए 180 प्लस करेंगे 140, तो आप यहाँ पर पाएंगे 8 4 12 320, ठीक है, 320 नंबर हो जाते हैं यहाँ पर। 320 नंबर होने के बाद दोस्तों
यहाँ पर क्या होता है, 4 डेटों में यहाँ पर पेपर संपन्न होगा दोस्तों। इसको दोस्तों 4 से अपन डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये चला जाएगा कितना, अस्सी पे चला जाएगा, यानी 8 नंबर, 4 8 32 और 0 यहाँ पर देखिए दोस्तों 80% आ जाता है। ठीक है दोस्तों, 80% यहाँ पर आ जाने के कारण क्या होता है कि देखिए यहाँ पर, यदि जो बच्चों का एग्जाम पहले हुआ होता है, अब कट ऑफ उनने 80% लग दिया है, कट ऑफ इतना होगा। ठीक है, कितना, 80 नंबर तक कट ऑफ होगा दोस्तों। जिनका एग्जाम यहाँ पर पहले हुआ था, ठीक है, उनके नंबर यहाँ पर 10 नंबर, जितने भी नंबर बढ़ते हैं 10 या 20 नंबर इंक्रीज कर दिए जाते हैं, और जो बाद में पेपर हुआ था उनका दोस्तों कम कर दिए जाते हैं। इसलिए जो स्कोर होता है यहाँ पर मेंटेनेंस हो जाता है, उसके बाद जो इजी इजी होता है उनके जो नंबर होते हैं, वह हर इजी हिसाब के टफ से उनके नंबर इंक्रीज कर दिए जाते हैं, और जो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो टफ होता है उनके नंबर इंक्रीज किए जाते हैं, और जो इजी होता है उनके नंबर डिक्रीज किए जाते हैं, यानी कि कम किए जाते हैं। तो इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया संपन्न होती है, और जो रिजल्ट बनता है एग्जाम का जो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट बनता है, वह सम बन जाता है, यानी कि जो सबका एक समान रिजल्ट बन जाता है, कोई वे नहीं रहता कि कोई के साथ भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये जो एग्जाम होता है यह बिल्कुल सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा नहीं करता। तो जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है यह बिल्कुल सही होती है, अपने आप में बिल्कुल सही होती है, कोई भी यहाँ पर भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप नॉर्मलाइजेशन का जो मतलब होता है भाई अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।